रोज तिल खाना आपकी सेहत को बिल्कुल बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतने जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल बदल देंगे। आजकल हमने अपने खाने के अंदर तिल को बिल्कुल नहीं रखा, इसके हमें बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्यों मेडिकल साइंस इसे एक सुपर फूड मानता है, इसकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको ये इतने सारे फायदे दे रहा है, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं उनको आपको बता पाऊं और साथ ही साथ ये भी बता पाऊं कि कैसे आप तिल का अच्छे से इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को और बेहतर और बढ़िया कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की और जानते हैं तिल के बारे में। तिल, जिनको हम सिसेम सीड्स भी बोलते हैं, ये हमारे भारत के अंदर काफी कॉमनली अवेलेबल हैं और इनका हमें भरपूर फायदा होता है। ये ज्यादातर हमें ऑफ व्हाइट से कलर के छोटे छोटे राई जितने समान छोटे दाने की तरह मिलते हैं और कुछ क्षेत्रों के अंदर ये काले रंग के भी हो सकते हैं और ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। कुछ और वैरायटी के तिल भी अवेलेबल है, लेकिन ये तीन कॉमनली तिल आपको पूरे इंडिया में जरूर मिल जाएंगे और इन सबके हमारे शरीर पर जबरदस्त फायदे हैं, इनको कृपया नोट करें। तिल के अंदर न्यूट्रिशन की भरमार है, जो 100 ग्राम तिल आप खाते हैं उससे तकरीबन आपको 575 कैलोरीज मिलती हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और जो कार्बोहाइड्रेट है भी वो गुड क्वालिटी फाइबर के रूप में है और शुगर तो बिल्कुल ना के बराबर है, 0.3% इसके अंदर आपको शुगर मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर अच्छी प्रकार के गुड क्वालिटी प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए एंजाइम्स बनाने के लिए, हॉर्मोन्स बनाने के लिए, और इसके अंदर है बढ़िया प्रकार का फैट। इसका जो तेल होता है, तिल का तेल, उसके अंदर बढ़िया प्रकार से आपको फायदा होता है और जो आप ये तिल खाते हैं इसके अंदर तकरीबन 50% तक इसके अंदर आपको फैट ही मिल रहा है। और जो तेल का भी प्रकार है उसके अंदर ज्यादातर हमें इसके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसके अंदर सेचुरेटेड फैट होता है। तो ये इतना गुड क्वालिटी इसके अंदर फैट भी हमें यहाँ से मिल रहा है जो हमारे दिल के लिए, हमारी नसों के लिए बहुत ही बढ़िया है। वहीं विटामिन की बात करें तो विटामिन ई इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। उसके अलावा काफी सारे विटामिन बी ग्रुप इसके अंदर होता है, इसके अंदर थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है, कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर फोलेट भी होता है। इसके अलावा हमारे तिल के अंदर होते हैं भरपूर मात्रा के अंदर मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए। इसके अंदर कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो 100 ग्राम आप तिल खा रहे हैं उसके अंदर तकरीबन आपको हम कहें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम की भी मात्रा अच्छी होती है, फास्फोरस की भी मात्रा इसके अंदर काफी अच्छी होती है, 630 मिलीग्राम फास्फोरस भी आपको यहाँ से मिलता है। इसके अलावा आयरन भी इसके अंदर अच्छी प्रकार से होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है जो हमारे शरीर को चाहिए थोड़ी मात्रा के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर होता है सिलीनियम जो हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस प्रकार का बेहतरीन न्यूट्रिशन आपको तिल खाने से मिल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको तिल खाने से मिलती है वो है भरपूर मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर फाइटोस्टेरॉल्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे लिग्निंस भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिसमिन और सिस्मोलिन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट पैदा करके हमारे डीएनए को सेव करते हैं, प्लस हमारे दिल के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई तो अच्छी मात्रा के अंदर होता ही है, तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन गए हैं उनको ये काउंट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और उसकी कोशिकाएं बढ़िया रहे और उनका डीएनए भी अच्छा रहे, जिससे कि हमें ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाता है और हमें ये कैंसर जैसी समस्याएं भी
नहीं होने देता। तेल हमारे दिल के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर गुड क्वालिटी फैट और ये जो फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फैट है, जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाते हैं जिससे कि हमारा दिल अब अच्छे से काम कर पाता है, हमारी नसों के अंदर ये प्लाक नहीं बनते और ये कोलेस्ट्रॉल जमा होकर उन्हें बंद नहीं करते जिससे कि हमारी नसों के अंदर खून का प्रवाह अच्छे से होता है और वो अच्छे से हर अंग के अंदर खून और दूसरा न्यूट्रिशन पहुंचाकर उन्हें स्वस्थ रखते हैं। तिल हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो कि हमारी हड्डियों की मैट्रिक्स को बनाता है। जितनी अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों में जमा होगा उतनी वो मजबूती से काम कर पाएंगे और उनके जो खोखला होने की बीमारियां ज्यादातर लोगों को उम्र के साथ होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो ऐसी समस्याओं से भी हम बच पाएंगे। और बच्चों के अंदर भी अगर हम लगातार उनको तिल खिलाते हैं तो उनके दांत अच्छे रहेंगे और उनकी हड्डियां और मजबूत होंगी। तिल हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसके अंदर है गुड क्वालिटी फाइबर। ये गुड क्वालिटी फाइबर हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से तो बचाता ही है, साथ ही साथ हमारे आंत के लेवल पे काम करता है और हमारे शरीर के अंदर एकदम से शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, उसके लिए भी एक काम आता है। प्लस हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छा करता है और बड़ी आंत में जाकर हमारे जो वहां के बैक्टीरिया हैं उनको ये खाना प्रोवाइड करता है जिससे वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे से और उत्पाद बना पाए, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन के, ये भी इस वजह से हमें मिलता है। हालांकि डायरेक्टली हम देखें तो विटामिन के की मात्रा तिल के अंदर नहीं होती, लेकिन इस फाइबर के माध्यम से जब वो हमारी बड़ी आंत के अंदर वहां दूसरे बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं, उसको खाते हैं, तो वो विटामिन के हमारे लिए बनाते हैं जो हमें और फायदा पहुंचाते हैं। और इसी वजह से हमारी जो आंत के अंदर अब जो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन है वो भी और अच्छे से बढ़ जाती है। तिल हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर है अच्छी मात्रा के अंदर मिनरल्स, कॉपर, सेलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम, इसके अलावा इसके अंदर जिंक भी होता है और विटामिन B6 भी होता है। ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रही हैं। जिंक हमारी आंत के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ये आयरन हमें अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारे खून को अच्छा रखता है ताकि हमारा खून अच्छे से ऑक्सीजन को हमारे हर अंगों तक पहुंचा पाए और हमारी इम्यूनिटी को भी और बढ़िया कर पाए। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको और बेहतर करता है जिससे कि हमारे मैक्रोफेजेस हैं उनका एक्शन अच्छा हो जाता है और वो अच्छे से बीमारियों को कंट्रोल कर पाते हैं, उनके कीटाणुओं को नष्ट कर पाते हैं। तिल के अंदर काफी सारे ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लस इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इकट्ठे काम करके हमारे शरीर के अंदर सूजन को काफी कम कर देते हैं और काफी सारे जोड़ों को, दर्द को ये ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए आपने देखा होगा काफी लोग तिल के तेल की मालिश भी करते हैं जिससे कि उनका शरीर और बढ़िया रहे, उनकी मांसपेशियां बढ़िया रहे और उनके जोड़ों में और मांसपेशियों में किसी प्रकार के कोई हम कहें दर्द या सूजन ना हो। इसलिए आयुर्वेद के अंदर भी तिल की तेल की मालिश और तिल के काफी और उपयोग भी बताए गए हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य और बेहतर रहता है। तिल हमारी त्वचा के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा के अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे ऐसे फाइटोस्टेरॉल्स हैं जो हमारी त्वचा को, हमारे बालों को यूवी रेडिएशन डैमेज से बचाते हैं, जैसे कि इसके अंदर है सेसमोल जो हमारे को रेडिएशन से जो नुकसान होता है हमारे शरीर में, हमारे अंगों में, हमारी त्वचा के ऊपर, हमारे बालों में, उनको ये काफी हद तक कम कर देता है, उसको काफी कंट्रोल भी कर पाता है जिससे कि हमारे बालों को और हमारी त्वचा को इस प्रकार का नुकसान ना हो और वो हमेशा जवान बनी रहे, उसके अंदर ये झुर्रियां और ये दाग धब्बे जो पड़ जाते हैं इस प्रकार की समस्याएं भी ना आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाए। तिल के अंदर कुछ ऐसे लिग्नेंस भी होते हैं जो फाइटोएस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और कुछ महिलाओं के अंदर जिनके अंदर ये जो महामारी की समस्या होती है या मेनोपॉज के टाइम जब महीना बंद होने का समय होता है उस वक्त जो समस्याएं आ रही हैं हार्मोन की वजह से उनको भी कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और अगर उस वक्त इनका लगातार इस्तेमाल करते हैं
तो उनकी वजह से जो उनके शरीर में बदलाव आ रहे हैं, हॉट फ्लशेज जैसी दिक्कतें रहती हैं, कभी एकदम से उनको ऐसे गर्मी सी लगती है, कभी वो ठीक रहते हैं, तो ऐसी समस्याएं भी काफी अच्छे से इससे कंट्रोल हो पाती हैं। दिल के बीच अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना वजन भी अच्छे से घटा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और वजन घटाते हुए तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है। बस यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ लेनी है कि आपको बहुत ज्यादा तिल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एक एनर्जी डेंस फूड है। न्यूट्रिशन तो इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है ही, एनर्जी भी अच्छी मात्रा के अंदर है, तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आप इसको लेंगे तो आपकी ये वेट लॉस जर्नी को डिरेल कर सकता है, नहीं तो आपको ये हमेशा फायदा करेगा और वजन घटाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वजन घटाते वक्त जो एक और फायदा ये आपको देता है, गुड क्वालिटी फाइबर आपको दे रहा है, और जो इसके ऑयल्स हैं, जैसे आप इसे खाते हैं, और इसको खाने से ये होता है कि आपको जल्दी से भूख नहीं लगती, तो ये जो इसका फैक्टर है बहुत ही अच्छा है। तो शुरुआत में आप 4 से 5 ग्राम तिल खाएं, 1 चम्मच तिल खाएं, और बाद में इसे बढ़ा के 2 से 3 चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कृपया तिल का इस्तेमाल ना करें और धीरे से शुरुआत करें। तिल का तेल भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है, इसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और जो तिल का तेल होता है इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर विटामिन के भी आ जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे ऐसे फाइटोस्टेरॉल्स आ जाते हैं, जो कि हमारे दिल के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत बेहतरीन फायदा भी देता है। और जो लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली ऑयल पुलिंग के लिए, कि सुबह उठते ही जब वो अपने मुंह के अंदर ये 2 चम्मच तेल लेकर उससे अपने पूरे दांतों को साफ करते हैं अच्छे से, इससे आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और आपका मुंह बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, और आपके दांतों के अंदर से जो प्लाक जम जाता है उनको भी ये निकाल पाता है और उनको और बेहतर कर देता है। तो आपकी दांतों के हेल्थ के लिए ऑयल पुलिंग जो आप तिल के तेल से करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है, कृपया इसे आज से ही शुरू करें। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको तिल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको फायदा ज्यादा हो, प्लस किस प्रकार के तिल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके शरीर के लिए बढ़िया है कि आप हमेशा अनप्रोसेस्ड तिल का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड तिल का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो आजकल प्रोसेसिंग होती है वो काफी सारे केमिकल्स और दूसरी चीजों से होती है, जिसमें आपको वो बीज दिखने में बहुत साफ तो लगता है लेकिन अब आपको उसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, और उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बिल्कुल ही बदल गई है। तो कृपया करके ऑर्गेनिक और मिनिमली और लीस्ट प्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड तिल का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। वहीं जितना आप उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, कभी उसको पानी में भिगो के इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उसका स्प्राउट भी करते हैं तो इनके अपने अपने फायदे हैं, और हर किसी चीज में आपको कुछ चीजें फायदे दे रही हैं। तो मैं ये कहूँ कि एक चीज को ऐसी है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर चीज को रोटेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, कि कभी आप उसको कच्चा खा रहे हैं, कभी आप उसे पकाकर खा लेते हैं, कभी आप उसके गुड क्वालिटी तेल की तरह आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको तिल के ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। हर एक तरीके के अंदर कुछ चीजें बढ़ती हैं तो कुछ चीजें घट जाती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसलिए तिल को हमेशा रोटेट करके इस्तेमाल करना है। तेल के लिए बस मैं यही एक बात कहना चाहूंगा, तिल का जो आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आप ऐसी जगह से ले जहां आपको पता है ये बिल्कुल कच्ची घानी का तेल है, जिसमें इसको आराम से निकाला गया है, ताकि किसी प्रकार के ट्रांसफैट्स या दूसरी और हम कहें चीजें और मिलावटें उसके अंदर नहीं हुई हैं। जो तिल के तेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आप तलने के लिए, उसको सब्जी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है। वहीं आप इसका इस्तेमाल अपने सलाद के अंदर भी कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की स्मूदी बना रही हैं, कोई शेक बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी बेकरी आइटम्स के अंदर भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका स्वाद भी बढ़ जाए और उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी और बढ़िया हो जाए। यहीं पर जो एक और बात बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आप तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगर आपको काला तिल मिलता है तो उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदे थोड़े बढ़ जाएंगे। जो काला तिल हमारा होता है इसके अंदर आयरन की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा होती है,
इसके अलावा जो इसके अंदर दूसरे फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं उनकी भी अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है ज्यादातर वैसा ही रहता है। लेकिन ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए और आपको एक कुछ प्रकार का स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो आपके दिल के लिए आपके दिमाग के लिए ज्यादा बेहतर है वो थोड़ा ज्यादा देता है। तो इसलिए अगर आपको काला तिल मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको काला तिल नहीं मिल रहा है या दूसरा तिल नहीं मिल रहा है तो आपका जो ऑफ व्हाइट कलर का या सफेद कलर का तिल आ रहा है इसे भी इस्तेमाल करना कृपया ना भूलें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है। तो हम बात कर लेते हैं तिल खाने से क्या क्या हमें साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों को तिल खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, जिन लोगों को किसी और खाने के आइटम से भी कभी एलर्जी हुई है उनके अंदर एलर्जी होने की संभावना जरूर रहती है। इसके अलावा शुरुआत में जब आपके शरीर को आदत नहीं और आप एकदम से बहुत ज्यादा तिल खा लेते हैं तो आपको अपच और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर भी होता है। तिल के अंदर कुछ प्रकार से ऑक्सालेट्स भी होते हैं और फाइटेट्स भी होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर तिल ले रहे हैं तो ये आपके किडनी स्टोन का भी एक कारण बन सकता है, इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ना लें। दूसरा, इसको आप थोड़ा सा सेक लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, भिगो कर खाते हैं तो आपके अंदर ये गुर्दे के अंदर पथरी बनाने की आशंका थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही अगर आप इसके साथ अच्छे से पानी का भी इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने खाना खा लिया उसके बाद का जो इंटरवल है उसमें आप अच्छे से पानी पी रहे हैं तो ये भी आपके शरीर के अंदर पथरी बनाने की इस प्रक्रिया को काफी कम करता है। यहीं पर मैं आपको वापस सचेत कर देना चाहता हूँ कि तिल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर कैलोरीज होती है, ये एनर्जी डेंस फूड है, तो इसको अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी को ये डिरेल कर सकता है और आपको मोटा बना सकता है और आपकी शुगर की समस्याएं भी ये बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाने से शुगर और मोटापा दोनों ही डिरेंज होता है। और अगर आप तिल को भिगोकर और इसको मिक्सी में पानी के साथ मिला के अच्छे से पीस लेते हैं तो ये बिल्कुल एक तिल का दूध जैसा बन जाता है, जिसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप अपनी चाय भी बना सकते हैं और इसको आप अपने मिल्क शेक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कैल्शियम भी मिल गया, ये नटी फ्लेवर भी मिल गया दूध जैसा। इस प्रकार से तिल का दूध बनाने से जिन लोगों को जो हम कहते हैं दूसरा नॉर्मल दूध हमें मिलता है गाय या भैंस का, उससे लेने से उनके शरीर में कोई अपच जैसी समस्या हो रही है, कोई और तकलीफें हो रही हैं, तो वो इसको बंद करके जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वहां पर इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको वैसे नुकसान भी ना हो और आपके शरीर को अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन भी मिले। तिल आपके कुछ ब्लड प्रेशर और जो ब्लड थिनर जो खून को पतला करने की दवाइयां होती है उनसे भी इंट्रेक्शन करता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर या लगातार तिल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर को इस बात का भी जरूर बताएं ताकि उसी प्रकार से वो उनकी डोज को भी निर्धारित कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा तिल आपके स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है और इसे क्यों साइंस भी अब एक सुपर फूड कह रहा है, तो कृपया इसे अपनाएं। ज्यादातर हम भारतीयों ने तिल खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो अपनी इस पुरानी परंपरा को स्टार्ट करें ताकि हम और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए अगर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।